हेलो दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है सीसू तो सीसू एक फिनिश फिल्म है तो इसका फिनिश वर्जन इंग्लिश वर्जन हिंदी डब्ड वर्जन ये सभी जो वर्ज़न है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही में फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस किया जाएगा इसके अलावा कहानी के ऊपर चर्चा की जाएगी फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे टेक्निकली इस फिल्म को किस तरह से बनाया उसके ऊपर भी डिटेलिंग में बातचीत करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग होने वाला है वीडियो में तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं शीशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट एन एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया है उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नौरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म है नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड इक्वाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरांटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सुब जीरो सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को का टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वे वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहाँ पे इसको जूहो विरुल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफ़ी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफ़ी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ था तो वो काफी स्टाइलाइज था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था नाइनटीन का नाइनटीन का तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निक वेल मेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहा कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट नजर आती है उसके उतने कुछ डायलॉग नहीं है दो चार डायलॉग गिन चुन के होंगे उसके फिल्म में लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह से चीजों को उन्होंने दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म शुरू होते ही काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग थ्रिलर फिल्म के तौर पर सामने आती है वैसे फिल्म में एक्शन काफी भर भर पे भर भर के डाला हुआ है जिस तरह चीज़ों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से इस्टब्लिस किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था काफ़ी कम टाइम के साथ चीज़ों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफ़ी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुए कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक

काफ़ी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफ़ी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा टोमिला देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डुलन और मिमोस विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफ़ी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते दे हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म नी ने पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है। ओनी टोमिला इस फिल्म में रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुआ फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मज़ा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फ़िल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैतालीस सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छ मिलियन यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में चार पॉइंट तीन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में टू पॉइंट थ्री यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्डवाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन छः पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थ फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे के जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोस वोन ने अवार्ड्स जीते हुए चारों एवॉर्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट रेट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए शीशु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा शिशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे दो 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेफ्ट में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटेलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चें लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नोरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म में नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शीशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड इक्वाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थिक कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सुब जीर, सब जीरो जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नॉर्थ डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को का टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस पोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखी हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वे वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहाँ पे इसको जूहो विरुल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफ़ी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ काफी स्टाइल है इस था। एक्टर्स की परफॉर्मेंस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था नाइनटीन का नाइनटीन का तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निक

चीज़ों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था वो काफी बढ़िया था काफ़ी कम टाइम के साथ चीजों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीज़ों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक

काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डुलन डु, 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 और मिमोस विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहां पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए अब देखते हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में आतामी कोरपी जो लेड किरदार है वो प्ले किया हुआ है जोरमा टोमिला ने प्रूनो हेलड्रॉप का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है अक्षय हेनी ने वहीं पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो जेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में शूट्स के रोल में देखने को मिलेगी तो यह फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहां पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहां पे भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे भी फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीब

6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मज़बूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थ फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहां पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे के जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोस विल नॉल ने अवार्ड्स जीते हुए चारों एवॉर्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिक्वल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पांस दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए शिशु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओ पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहाँ पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी इस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहां पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर हो गया अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग अलग वर्जन में OTT और दोनों प्रीमियर करवाया जाएगा सीसु, जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे दो हजार की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेफ में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साइफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी विलेज में में, जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और दो में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म में नाइनटीन एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर्ड होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एक वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को जीरो सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागरूस ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी करिस्फ रखे हुए है फिल्म सिर्फ नाइनटी वन मिनट की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहां पे इसको लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह

इंपॉर्टेंट नजर आते body है, फिल्म में जो लीड किरदारती है वैसे भर भर पे, भर भर के डाला हुआ है जिस तरह से चीजों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से किया चीजों को हमारे इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को किया हुआ था पे डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का, का काफी नज़र आएगा जो एक्शन देखने को मिलते जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ दी मेजर प्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिकवन है जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है फिल्म को फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है जहां पे फिनिश वर्जन जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था तो वो काफी बढ़िया था लेकिन उसके बाद में जो सभी वर्जन डब्ड किए हुए वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी मास्टर क्लास है जिस वजह से वो काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोरमा टोमिला देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डुलन और मिमोज विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलते वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में आतामी जो किरदार है वो प्ले किया हुआ है टोमिला ने हेलड्रॉप का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है अक्षय हेनी ने वहीं पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एंजॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फ़िल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते आई एम पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैतालीस वोट मिले हुए हैं जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छ मिलियन यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में 4.3 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में 2.3 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन 6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहां पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहां पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मज़बूत था जिसके

इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को OTT और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को OTT पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा सिसू जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेन में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्सन में को एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नॉरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फ़िल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म है नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर्ड होकर शीशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एक वाग वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरांटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जी सब्जीरो सब फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो के जेल ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफी करिस्फ रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ तो काफी स्टाइलाइज्ड है था। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था 1994 का 1944 का 1944 तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकली वेल मेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहा कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट नजर आती फिल्म में जो लीड किरदार उसके उतने कुछ डायलॉग

एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुए कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी नज़र आएगा जो एक्शन सीक्वेंस देखने हुई है जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ दी मेजर प्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिक्वेंस है जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है फिल्म को फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिनिश वर्जन जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था तो वो काफी बढ़िया था लेकिन उसके बाद में जो सभी वर्जन डब्ड किए हुए वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफ़ी मास्टर क्लास है जिस वजह से वो काफ़ी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफ़ी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा टोमिला देखने को मिलेंगे अक्सई हेनी जेक डुलन और मिमोज विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहां पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफी बढ़िया बन जाता है

प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए शिशु फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखियेगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एंजॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैतालीस सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छ मिलियन यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में चार पॉइंट तीन यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में टू पॉइंट थ्री यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्डवाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन छ पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को 55th सिडजेस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजे लार्गियोस ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी सेपा और टोमोस विल वायलनॉल ने अवार्ड जीते हुए चारों अवार्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म सिक्वल के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिकवल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट रेट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी इस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा शिशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेप्सलैंड में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी विलेज में में, जहां पे फिल्म का बजट करीबन मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म में नाइनटीन एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराइड इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर्ड होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एक वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जीरो सब्जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ़ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहाँ पे इसको जूहो विरुल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफ़ी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ तो काफी स्टाइल है परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था नाइनटीन का नाइनटीन का तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकल

से चीजों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से इस्टेब्लिस किया हुआ था वो काफी बढ़िया था काफी कम टाइम के साथ चीज़ों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को इस्टेबलिश किया हुआ था जहां पर डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक

काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोरमा टॉमिला अक्स हेनी डुलन और विलामो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफ़ी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलते वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहां पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफी बढ़िया बन जाता है

प्रमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इसको ज़रूर देखना चाहिए ये काफ़ी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को लगभग 4700 वोट मिले हुए जिसमें 7.3 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से फिल्म को करीबन 6 मिलियन यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में 4.3 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहां पे इस फिल्म ने 2.3 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने तीन मई 2023 तक करीबन 6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थे फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे बेस्ट पर के तौर पे जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोज विल वोल ने अवार्ड जीते हुए चारों एवॉर्ड्स चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिक्वल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पांस दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने ख़रीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा जहाँ पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी इस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा सिसू जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेफ में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट एन एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया है उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नोरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म में नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीजें थी जिससे इंस्पायर्ड होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एकवाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरंटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जी सब्जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहाँ पे इसको जूहो विरुल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफ़ी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ था वो काफी स्टाइलाइज था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था नाइनटीन का नाइनटीन का तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निक वेल well मेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहा, कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट नजर आती है उसके उतने डायलॉग नहीं है दो चार डायलॉग गिन चुन के होंगे उसके फिल्म में लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह से चीजों को उन्होंने दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म शुरू होते ही काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग थ्रिलर फिल्म के तौर पर सामने आती है वैसे फिल्म में एक्शन काफी भर भर पे भर भर के डाला हुआ है जिस तरह चीज़ों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से इस्टेब्लिश किया हुआ था वो काफ़ी बढ़िया था काफ़ी कम टाइम के साथ चीज़ों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पर डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफ़ी सारी चीज़ों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुए कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक

काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डुलन डू, डू, और मिमोस विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफ़ी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में नी ने है है किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए शीशु फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इसको ज़रूर देखना चाहिए ये काफ़ी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहां पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज किया गया वहां पे भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज में रिलीज किया गया था जहाँ पे भी फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीब

6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थ फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे के जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोस वोन ने अवार्ड्स जीते हुए चारों एवॉर्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पांस दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए शिशु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा सिसू जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज़ किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेप्सलैंड में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट किए हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी विलेज में लेप में, लेपलैंड जहां पे फिल्म का बजट करीबन मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म है नाइनटीन एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराइड इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड इक्वाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज किया उसके बाद में इस फिल्म को यू में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरांटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जी सब्जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ़ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहां पे इसको चुहो विरुल ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह

हमने इंट्रोड्यूस किया था किरदारों को इस्टेब्लिश किया हुआ था जहाँ पे डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को सार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई है का जो एक्शन को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर ने बखोभी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ द्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिकवन है जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है फिल्म को फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिनिश वर्जन जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था तो काफी बढ़िया था लेकिन उसके बाद में जो सभी वर्जन डब्ड किए हुए वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी मास्टर क्लास है जिस वजह से वो काफ़ी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोरमा टोमिला देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डू डुलन और मिमोज विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलते है, वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में आतामिक और पी जो लेट किरदार है वो प्ले किया हुआ है जोरमा टोमिला ने ब्रोनो हेलड्रॉप का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है अक्षय हेनी ने वहीं पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में सुड्स के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एंजॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैंतालीस वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छः मिलियन यूर यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में चार पॉइंट तीन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में टू पॉइंट थ्री यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन 6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मज़बूत था जिसके

इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ टी टी और सेटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्स अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी इस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा शिशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज़ किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश ले में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्ट एन एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया है उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नौरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म है नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शीशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड इक्वाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरंटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जीरो सब्जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नॉर्थ डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो के जल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वे वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहां पे इसको जूहोल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ तो काफी स्टाइलाइज था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था 1994 का 1944 का 1944 तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकली वेलमेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सभी

इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को किया हुआ था पे डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को वे में दिखाने की कोशिश की कैमरा वर्क फिल्म का काफ़ी नज़र आएगा जो एक्शन देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ दी मेजर प्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिकवन है जो थ्रिलिंग से, उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी मास्टर क्लास है जिस वजह से वो काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोरमा टोमिला अक्षय हेनी, जेक डुलन और मिमोस विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफ़ी नेचुरल और रो नज़र आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते दे हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में टोमिला ने है वो, वो है है किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुआ शीशु फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मज़ा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फ़िल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैतालीस सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छ मिलियन यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कैनेडा में चार पॉइंट मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में 2.3 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन छः पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थ सिटे फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमाटोग्राफर के तौर पे के जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोस वार्ड्स जीते हुए चारों एवॉर्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला लोगों ने थिएटर में काफी भर भर के रिस्पांस दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहां पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट रेट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब जाएगा। तो आपको इसका वेट करना चाहिए। एक भी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते है कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा शिशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेफ में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहाँ पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटेलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया आया उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नोरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म में नाइनटीन एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एक वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सब्जी सब्जीरो सब फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज़ और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागर ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज़्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहाँ पे इसको चूहो बिरुल लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफ़ी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीज़ों को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मज़बूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सीक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ तो काफ़ी स्टाइल है इस था। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था नाइनटीन का नाइनटीन का तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकल वेलमेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी मजबूत थी दो चार फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह से चीजों को उन्होंने दिखाया हुआ है वो काफी बढ़िया है फिल्म शुरू होते ही काफी बढ़िया तरीके से एक एंगेजिंग थ्रिलर फिल्म के तौर पर सामने आती है वैसे फिल्म एक्शन काफी भर भर के डाला हुआ है चीजों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से किया हुआ था वो काफी था वो काफ़ी काफ़ी बढ़िया कम टाइम के साथ चीज़ों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को किया हुआ था जहाँ पे डायरेक्टर और एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक

वो काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा देखने को मिलेंगे, अक्षय हेनी जेक डुलन और मिमोस विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहां पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए अब देखते हैं कि इस फिल्म का सिक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में आतामी कोरपी जो लेड किरदार है वो प्ले किया हुआ है जोरमा टोमिला ने प्रूनो हेलड्रॉप का जो रोल है वो प्ले किया हुआ है अक्षय हेनी ने वहीं पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो जेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में शूट्स के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं शीशु फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफ़ी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफ़ी अच्छी फिल्म है हाँ फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एन्जॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यूएस और दूसरे सभी कंट्रीज में रिलीज़ किया गया था जहाँ पे भी फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीब

6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज़ दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को 55th सिटीज फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजे लार्गियोस ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी सेपर टोमोस विल वायलनोल ने अवार्ड जीते हुए चारों अवार्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओटीटी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा सिसू जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज़ किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश ले में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है जिसमें काफ़ी प्रोटैलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया है उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नोरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म है नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर्ड थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर्ड होकर शिशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड एकवाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थिक कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई एफ एफ में रिलीज़ करवाया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकरंटा ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को जीर, सब जीरो सब जीरो फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नॉर्थ डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज करवाया हुआ था इस फिल्म को का टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी वो के जेल लागरूस ने किए हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफ़ी क्रिस्प रखे हुए है फिल्म सिर्फ नाइनटी वन मिनट की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वे वेडिट का सीन निकाल दे तो फिल्म और भी ज्यादा क्रिस्प हो जाती है तो डेढ़ घंटे से कम के रन टाइम के साथ आने वाली है फिल्म है जहां पे इसको चूहो लाइन ने एडिट किया हुआ है फिल्म को काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से किया हुआ काफी था एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी। काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी। काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकली मेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सब

इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को किया हुआ था पे कि एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ दी मेजर प्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिकवन है जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है फिल्म को फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिनिश वर्जन जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था तो वो काफी बढ़िया था लेकिन उसके बाद में जो सभी वर्जन डब्ड किए हुए वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी मास्टर क्लास है जिस से वो काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा देखने को मिलेंगे। हेनी जेक डू, डू, और विलामो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफ़ी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलती है वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहाँ पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफ़ी बढ़िया बन जाता है वैसे इस फिल्म का जो आइडिया है उसके ऊपर बातचीत चल रही है सेकंड पार्ट के लिए आप देखते हैं कि इस फिल्म का सीक्वल कब तक पॉसिबल हो पाता है इस फिल्म के कास्टिंग में आतामी कौर पी जो लेट किरदार है वो प्ले किया हुआ है टोमिला ने हेलड्रॉप का जो रोल है है वो प्ले किया हुआ है अक्षय हेनी है ने वहीं पे वॉल्फ वाला जो किरदार था वो चेक डुलान को दिया गया था एनो का रोल मिमोसा विलम ने प्ले किया हुआ है ओनी टोमिला इस फिल्म में के रोल में देखने को मिलेगी तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं फिल्म को जिस तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आया हुआ है वो काफी बढ़िया है इसको जरूर देखना चाहिए ये काफी अच्छी फिल्म है आप फिल्म को देखते समय जो लॉजिक है वो थोड़ा साइड में रखिएगा सभी जगह पे लॉजिक मत लगाइएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एंजॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आई पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैंतालीस वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छः मिलियन यूर यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में चार पॉइंट तीन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में टू तो पॉइंट थ्री यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्डवाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन छः पॉइंट छः यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को फिफ्टी फिफ्थे फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो सिनेमेटोग्राफर के तौर पे के जेल ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जोरी सेपा और टोमोस वोन ने अवार्ड जीते हुए चारों एवॉर्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट रेट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओटी टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पर हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने वाले कुछ समय के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पे हिंदी डब में भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो वहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होगी अब देखते हैं कि ये सभी चीजें कब तक पॉसिबल हो पाती है क्योंकि थिएट्रिकल रिलीज के थोड़े लंबे समय के बाद इस फिल्म को अलग-अलग वर्जन में ओटीटी और सैटेलाइट दोनों पे प्रीमियर करवाया जाएगा शिशु जो 2023 की हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म है वैसे ये 2022 की फिल्म कही जा सकती है क्योंकि इस फिल्म को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पहले रिलीज़ किया गया था उसके बाद में 2023 में अलग अलग कंट्रीज़ में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जालमारी हेलेंडर ने जिन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले ये सभी चीजें की हुई है और डायरेक्शन भी उनका ही है और इस फिल्म को फिनिश लेफ में वर्ल्ड वॉर टू के समय में सेट किया हुआ है गोल्ड प्रोस्पेक्टर के ऊपर इस फिल्म की कहानी को फॉलो किया हुआ है जहां पे किस तरह से जो इस फिल्म का लीड किरदार है वो प्रोटेक्ट करता है डिफेंड करता है और आखिर तक हार नहीं मानता है वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट किए हुई है जिसमें काफी प्रोटेलिटी दिखाई हुई है काफ़ी ज़्यादा इस फिल्म में एक्शन में को, एक खून खराबा दिखाया हुआ है और एक ब्रूटल वे में सभी चीज़ों को पेश किया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए फिल्म को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ था तो काफ़ी कम समय में सभी चीज़ों को दिखाए हुए वैसे जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो ओरिजिनली एक साईफाई कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे कुछ अलग जोनर के साथ कहानी को चे लेकिन बाद में कोविड के समय उनको शिशु फिल्म का आइडिया है उसके पर उन्होंने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग की और इस फिल्म को उन्होंने बनाने का फैसला लिया 2021 में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की हुई थी नोरगाम विलेज में लेपलैंड में जहां पे फिल्म का बजट करीबन सिक्स मिलियन यूरो था तो इतने बजट के साथ इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और 2021 में इस फिल्म को शूट किया हुआ था फिल्म का जो लोकेशन है वो पहले के समय का सेट किया हुआ था जहाँ पे फिल्म नाइनटी एटी टू की अमेरिकन एक्शन फिल्म फर्स्ट ब्लड के ऊपर थोड़ा इंस्पायर थी वहीं पे जो फिनिश मिलिट्री स्नाइपर थे उसकी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर थोड़ी चीज़ों को इंस्पराय इंस्पायर होते हुए फिल्म को क्रिएट किया हुआ था तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे इंस्पायर होकर शीशु फिल्म की कहानी बनाई गई थी उसको बाद में डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया हुआ था वैसे सोनी पिक्चर्स वर्ल्ड वाइड इक्वाइजेशन वालों ने इस फिल्म के यानी कि सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स खरीदे हुए थे नॉर्थ कंट्रीज के लिए वहीं पे लायंस गेट वालों ने इस फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में रिलीज करवाया हुआ था इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि टी आई में रिलीज करवाया हुआ था उसके बाद में फिल्म को 2023 में जनवरी में फिनलैंड में रिलीज़ किया उसके बाद में इस फिल्म को यूएस में और बाकी सभी कंट्रीज में रिलीज किया हुआ था इस फिल्म को पेट्री जोकर ने प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे फिल्म को सुब जीरो सब जीरो फिल्म्स फिल्म्स फिल्म एंटरटेनमेंट और स्टेज सिक्स फिल्म गुड चाओस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सिक्स मिलियन यूरो में बनाया हुआ था जहां पे फिल्म को नोट डिस्क वालों ने इस फिल्म को फिनिश में डिस्ट्रीब्यूट किया था सोनी पिक्चर्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया था हिंदी वर्जन को भी उन्होंने ही रिलीज और डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है लायंस गेट वालों ने अमेरिकन वर्जन को रिलीज़ करवाया हुआ था इस फिल्म को टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म की जो वो ने हुई है इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में जूरी सेप्पा और टॉमस वाइनोला ने काम किया हुआ है प्रोनाउंस में थोड़ी गलती हो सकती है तो उसको माफ कीजिएगा अदरवाइज फिल्म की एडिटिंग के ऊपर बातचीत करें तो वो काफी रखे हुए है फिल्म सिर्फ 91 मिनट्स की है उसमें भी थोड़ा क्रेडिट वेडिट काफी ऑन दी पॉइंट रखा हुआ है चीजों को काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन प्ले में डेवलप किया हुआ था कैरेक्टराइजेशन में डायरेक्टर ने काफी बखूबी काम किया हुआ है राइटिंग उनकी काफी मजबूत नजर आ रही थी एक्शन चीज एक्शन सिक्वेंस को जिस तरह से किया हो तो वो काफी स्टाइल है इस एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस उसमें अच्छी थी एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया नजर आ रही थी सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से जो लोकेशन था 1994 का 1944 का 1944 तो उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था जिस तरह से आर्ट डायरेक्शन ने उसमें काम दिखाया तो वो बढ़िया था जिस तरह से इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक टेक्निकली वेलमेड तरीके से बनाया हुआ था वो सभी चीजें फिल्म को काफी इंटरेस्टिंग बनाती है कहा कहानी काफी मजबूत थी इंटरेस्टिंग थी जिस वजह से वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट नजर आती फिल्म में जो लीड किरदार उसके उतने कुछ डायलॉग नहीं दो चार डायलॉग गिन चुन के होंगे उसके फिल्म में लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अपने के साथ जिस को उन्होंने दिखाया डाला हुआ है जिस तरह से चीजों को इस फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है किरदारों को जिस तरह से किया हुआ था वो काफी बढ़िया था काफी कम टाइम के साथ चीजों को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ था किरदारों को इस्टेब्लिस किया हुआ था जहां पे डायरेक्टर एडिटर दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी एडिटर ने काफी सारी चीजों को शार्प वे में दिखाने की कोशिश की हुई कैमरा वर्क फिल्म का काफी शार्प नजर आएगा जो एक्शन सिक्वेंस देखने को मिलते हैं जिस तरह से चीजों को हमारे सामने डेवलप किया हुआ है उन सभी माहौल को इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर ने बखूबी दिखाया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक इस फिल्म का एक वन ऑफ दी मेजर प्लस पॉइंट है बीजेम जिस तरह से चीजें चल रही थी जो सीन चल रहा था उसमें काफी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर इतना बेहतरीन है जो एक्शन सिक्वन है जो थ्रिलिंग मोमेंट्स है उसमें काफी बढ़िया तरीके से एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए वो मदद करता है फिल्म को फिनिश और इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे फिनिश वर्जन जिस तरह से क्रिएट किया हुआ था तो वो काफी बढ़िया था लेकिन उसके बाद में जो सभी वर्जन डब्ड किए हुए वो भी काफी बढ़िया नजर आएंगे वैसे इस फिल्म की जो कहानी है वो काफ़ी मास्टर क्लास है जिस वजह से वो काफी मजबूत होती है लेकिन उसके ऊपर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसिस है वो भी काफ़ी दमदार नजर आएगी फिल्म के लीड रोल में जोर्मा टोमिला देखने को मिलेंगे अक्षय हेनी जेक डुलन और मीमोज विलमो ने भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इस फिल्म को जिस तरह से बनाया गया था उसमें जिस तरह से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस थी जो एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे जो बैकग्राउंड स्कोर था जो म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो मेहनत देखने को मिलती है सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जो मेहनत देखने को मिलती है सभी एक्टर्स काफी नेचुरल और रो नजर आ रहे थे उसमें जो किरदारों में डेवलपमेंट देखने को मिलते है, वहाँ पर डायरेक्टर ने बखूबी वे में जो डायलॉग्स लिखे हुए थे जिस तरह से उसमें जो स्क्रिप्टिंग में काम किया हुआ था जो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था वो काफी ज्यादा टाइट एंगेजिंग और थ्रिलिंग वाला था जो काफी बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करता है फिल्म को जिस तरह से एंड किया हुआ है वहां पे भी इस फिल्म को जो सेकंड पार्ट आने का जो चांस है वो काफी बढ़िया बन जाता है

जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए तरह से तैयार किया गया था जो बनाया गया था जो फाइनल निकल के आया वो काफी बढ़िया है। इसको जरूर देखना चाहिएगा हाँ सभी जगह पे लॉजिक मत लगाएगा अदरवाइज फिल्म देखने का मजा किरकिरा हो सकता है बाकी तो फिल्म पूरी तरह से एक भरपूर एंटरटेनर फिल्म है और डेढ़ घंटे में फिल्म काफी बढ़िया तरीके से आपको एंजॉयमेंट दे जाएगी इसके अलावा इस फिल्म को पहले 2022 में तेलुगु सॉरी इस फिल्म को 2022 में द टोरटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ किया गया था 9 सितंबर 2022 को वहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला था उसके बाद में फिनलैंड में 27 जनवरी 2023 को फिल्म को रिलीज़ किया गया वहाँ पे भी फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद में अट्ठाईस अप्रैल दो को फिल्म को यू और दूसरे सभी कंट्रीज़ में रिलीज़ किया गया था जहाँ पर भी फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते आईएमडी पे फिलहाल में इस फिल्म को करीबन सैंतालीस सौ वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट तीन की रेटिंग हासिल हुई है दस में से फिल्म को करीबन छः मिलियन यूर यूरो में बनाया गया था जिसके सामने इस फिल्म ने यूएस और कनाडा में चार पॉइंट तीन यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और उसके बाद में दूसरी जो टेरिटरी थी वहाँ पे इस फिल्म में टू पॉइंट थ्री यू मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था वर्ल्डवाइड लेवल के ऊपर इस फिल्म ने 3 मई 2023 तक करीबन 6.6 यूएस मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे यूएस कनाडा इंडिया और दूसरे जितने भी कंट्रीज में इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था फिल्म को एक काफ़ी बड़ी रिलीज दिलवाई गई थी और फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन किया हुआ था और ये सभी चीज़ें हो पाई फिल्म का जो कंटेंट था उसके वजह से फिल्म का कंटेंट इतना मजबूत था जिसके चलते सभी वर्जन में इस फिल्म ने सभी डब्ड वर्जन में भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया काम किया वैसे इस फिल्म को 55th सिडजेस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था वहाँ पे इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म के तौर पे बेस्ट एक्टर के तौर पे जोर्मा टोमिलो बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे केजे लार्गियोस ने और बेस्ट म्यूजिक के तौर पे जूरी सेपा और टोमोस विल वैलनोल ने अवार्ड जीते हुए चारों अवार्ड चारों कैटेगरी में इस फिल्म ने जीते हुए थे इसके अलावा फिल्म सिक्वल के सिकवल के ऊपर भी काम चल रहा है जैसे कि मैंने कहा कि अब देखते हैं कि वो सिक्वल कब तक आपको देखने को मिलता है फिलहाल में इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला लोगों ने थिएटर में काफ़ी भर भर के रिस्पॉन्स दिया तो इस वजह से ये फिल्म एक मोस्ट वॉच फिल्म बन जाती है फिल्म को जरूर देखना चाहिए इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट सोल्ड आउट तो हो चुके हैं लेकिन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने खरीदे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई डिटेलिंग नहीं मिली है फिलहाल में ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से सभी जगह पे सभी वर्जन में वर्क कर गई है अब आने वाले समय में इस फिल्म को ओ टी और सैटेलाइट के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जाएगा तो आपको इसका ऑफिशियल वेट करना चाहिए सिसु एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए आने वाले समय में इस फिल्म को ओ टी पे विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा जहां पे हिंदी डब वर्जन भी इंक्लूड होगा अब देखते हैं कौन से ओ टी के ऊपर रिलीज करवाते हैं इस फिल्म को और तभी उस फिल्म को आप ऑफिशियली देखिएगा और आने

फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है फिल्म का रिव्यू किया हुआ है आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है टेक्निकल टीम के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैंने शेयर कर दी है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक एनालिसिस भी किया हुआ है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू